इस मॉड्यूल uh, में फिश uh, और एम्फीबियंस आई का जिक्र करते हैं और इसमें अडेप्टशंस का तो फिश आइज आर सिमिलर इन मोस्ट रेस्पेक्ट टू आइज ऑफ द अदर इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तकरीबन वैसे ही है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस हैं एज कंपेयर टू दैट द ह्यूमन आई वर्टिब्रेट आई हॉर फिश आइज़ आर विद आउट लेट्स पहली बात तो यह है कि उसके अंदर आई लेट्स नहीं होते दे रिमेन ओपन और अगर हम आई को टच भी करें किसी एनिमल की लिविंग फिश को तो देर इज़ नो एनी मेम्ब्रेन वैसे तो डिगटीटेटिंग मेम्ब्रेन होती है एम्फीबियंस के अंदर जो ऊपर बिल्कुल पर्दे की तरह उसको सफाई भी करती है और उसको अपनी आई अपनी ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती है इस लिहाज से लेकिन फिश के अंदर ऐसी डिगटीटेटिंग मैमब्रेन भी नहीं है सिर्फ एंड इवन नो लेड्स तो उसी तरह सर्कुलर फॉर्म में हमें ये आईज नज़र आती है तो लेंस भी सर्वेकल है और इट इज वेरी क्लोज टू दी क्लोज टू द कॉर्निया ये बाहर को आया हुआ है तो फोकसिंग रिक्वायर्स मूविंग ऑफ लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जैसे हमने ह्यूमन आई को तो देखा ना एकमोडेशन आई पिछले मोड्यूल के अंदर तो ह्यूमन आई में तो ऐसा है ना कि लेंस फ्लैटनिंग हो जाती है और उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है लेकिन इन एनिमल्स के अंदर फिशेज के अंदर एम्फीबियंस के अंदर और बल्कि रेप्टाइल्स के अंदर भी तो ये आ, उसका फोकल लेंथ नहीं बदलता बल्कि लेंस आगे पीछे हो जाता है ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि कैमरा कैमरास के अंदर होता है सो दे फोकसिंग रिक्वायर्स मूविंग द लेंथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और इस आई में इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि दिस इज दिस लेंस जैसे हमने कहा कि इट इज़ वेरी क्लोज टू द रेटिना, दिस पार्ट इज द रेटिना और ये हैवी एक राउंडेड uh, स्ट्रक्चर है और ये लेगामेंट है जो कि इसको उसने सपोर्ट किया हुआ है दिस पार्ट इज द ह्यूमर दिस इज द रेटिना। तो लाइट जो है वो यहाँ से पास होगी पास करेगी लेंस में से और ह्यूमर में से पास होते हुए ये दैट द इमेज दैट डिवेलप ऑन टू द रेटिना और इस रेटिना में उसी तरह फोटो रिसेप्टर्स हैं सेल्स हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड हैं और वो फिर न्यूरॉन्स के साथ अटैच हैं और वो तमाम के तमाम न्यूरॉन्स जो हैं ये आपस से मिल के फिर ऑप्टिक नर्व बनती है और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है म्यूकस मैम्ब्रेन तो होगी ओबियसली टू प्रोटेक्ट द आई लेकिन ऐसा ऐसा कंजेंटाइवा नहीं है एम्फीबिन जिसमें एन्यूरन्स आते हैं फिर सेलमेंडर्स आते हैं तो ए न्यूरस जो हैं ये जैसे फ्रॉक के अंदर और इन एरेन्स एंड सेलमेंडर्स आइज़ आर क्लोज टुगेदर ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड एंड है बाई नोकलोवियन बाईनोक्लोवियन क्या होती है कि जब uh, एक ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा होता है हालांकि आइज तो दो हैं लेकिन दोनों का इमेज एक ही नजर आए इसे है हम कहते हैं है बाई और ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिन एनिमल्स के अंदर आइज दे आर आर लोकेटेड ऑन साइड्स पे तो ये दोनों तरफ ये विजन ऐसी नहीं बनेगी तो ए न्यूरस के अंदर क्योंकि आइज uh, जो हैं वो बल्जिंग आइज हैं तो उसके अंदर तो ये बाइनोक्लोवियन है लेकिन सेलामेंडस के अंदर जहाँ पे आइज दे आर जस्ट ऑन साइड्स So just give us binocular vien, hai, they lack this binocular vien. Some salamanders have smaller and lateral eyes and they lack binocular vien. So laterally placed eyes permit such animals uh, to see well off to their sides. So sides B sakti exactly. Binocular VN is the definition as such. Dekhe, binocular VN is a type of VN in which an animal having two eyes.

ये एक लिहाज uh, uh, से इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस और कैमराज की तरह उसकी आइज़ है लेंस आगे पीछे हो सकता है बाई द कंट्रैक्शन रिलेक्शन द मसल्स लेकिन एक्मोडेसन एज सच नहीं है कि वो uh, इतनी शार्प एकोमोडेशन नहीं है एज कंपेयर टू द मैमल्स और द ह्यूमन सो दिस इज़ ये अडेप्टेशन ही है इस फिशेस के अंदर एम्फीबियंस के अंदर तो ये Uh, जैसे जैसे एनिमल एवोल्यूशनरली uh, ये प्रोसेस जो है ये बेहतर से बेहतरीन होता गया जैसे हम ह्यूमन देखते हैं और uh, ये एकमोडेशन भी हो रही है और फोकसिंग भी हो रही है लाइट स्ट्रॉन्ग uh, है या डिम है उसी के मुताबिक ये आइज भी एडजस्ट हो रही है तो दिस इज़ कि किस तरह ये तमाम चीज़ें लेकिन uh, लोअर एनिमल्स के अंदर रेलेटिवली ये प्रोसेस इतना शार्प नहीं है इतना एक्मोडेटिव नहीं है और और इसे ही हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं कि जिसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें होती जाती हैं ज़्यादातर ज़्यादातर तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज एडेप्टेशन ऑफ फिश एंड एम्फीबियन आइस ओके